वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। औषधि विभाग ने गौरी इंटरप्राइजेस गोदाम में की छापेमारी। 112 बोरी नकली भोला मुनक्का बरामद। गोदाम मालिक हुआ फरार। संगम नगरी प्रयागराज में नकली सामान बनाने का काम जोरों से फल फूल रहा है। आए दिन पुलिस की छापेमारी में ब्रांडेड कंपनियों के रैपर का उपयोग कर नकली सामान बनाकर बेचने जाने का खुलासा होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग चोरी छिपे नकली प्रोडक्ट्स बनाने का काम कर रहे हैं। मानक के विपरीत खाद्य पदार्थों को तैयार कर बाजारों में ब्रांडेड कंपनियों के नाम से बेच दिए जाते हैं। समय समय पर ड्रग्स विभाग और संबंधित विभाग छापेमारी कर नकली सामान बनाने वालों पर कार्रवाई करती है। नकली सामान बनाकर बेचने का ताज़ा मामला मुठ्ठीगंज थाना क्षेत्र के गुडरिया मोहल्ले का है, जहाँ भोला मुनक्का नामक कंपनी के नाम पर नकली आयुर्वेदिक औषधि बेची जा रही थी। कंपनी के शिकायत पर ड्रग्स विभाग ने छापेमारी कर नकली 112 बोरा भोला मुनक्का बरामद किया है। इसके साथ ही भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनियों के रैपर भी मिले हैं। औषधि विभाग और आबकारी विभाग के साथ मुठ्ठीगंज पुलिस की संयुक्त टीम के छापेमारी में जो सामान बरामद हुआ है उस पर एक्सपायरी डेट अंकित नहीं है। इसके साथ ही कंपनी का पैच नंबर और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी रैपर पर नहीं छपा था, जिसके बाद टीम ने सामानों को जब्त कर विधिक कार्रवाई में जुट गई है। नकली भांग का पूरा कारोबार गौरी इंटरप्राइजेस के नाम से फर्जी तरीके से चल रहा था। औषधि विभाग के छापेमारी के मौके से गोदाम में संचालक सहित सभी लोग फरार हो गए। पुलिस की टीमें फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में जुट गई हैं। नकली भोला मुनक्का का पूरा कारोबार प्रयागराज से संचालित होता था और नकली माल को बिहार, दिल्ली, बनारस सहित अन्य राज्यों में सप्लाई किया जाता है। फर्म का नाम है गौरी इंटरप्राइजेज। ये नकली भोला मुनक्का पूरे उत्तर प्रदेश में सप्लाई कर रहे थे। इनके गोदाम की छापा मारे गए जिसमें से आयुर्वेद विभाग के डीओ साहब और एक्साइज विभाग के इंस्पेक्टर क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक और थाना इंचार्ज हटिया चौक की मुट्ठी गए। इन्होंने छापा मारा तो इनमें से 112 बोरी 15 दर्जन भर्ती जो है नक्का बरामद हुआ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संतोष कुमार जायसवाल। और जिनका गोदाम उनका क्या नाम है? उनका नाम पता नहीं, गौरी इंटरप्राइज के नाम से फर्म चल रही थी। अभी आपने एक जगह छापा मारा था, क्या किस तरह की कार्रवाई थी? सारस्वत फार्मेसी हमारे यहाँ चलती है, जो है कि आयुर्वेद की, उसके मालिक रूपा जायसवाल हैं। उनके पति ने जो है कि हमको सूचना दी कि यहाँ पर सर कुछ हमारे नाम का प्रोडक्ट यहाँ पर रखा गया हुआ है, जो कि उस आधार पर मैं उनके एप्लीकेशन के आधार पर आया तो वहाँ पर देखा कि भोला मुनक्का की वटी मिली, 111 बोरी मुझे मिली वहाँ पर, जिस पर बैच नंबर और एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट दोनों नहीं था। जो कि इस आधार पर माल वहाँ से उठाया गया है। उनके साथ कार्रवाई की जा रही है, अब थाने में लाया गया है, जो है कि कार्रवाई की जाएगी। अपना नाम बता दें। डॉक्टर शारदा प्रसाद, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी, प्रयागराज। कार में लगी आग, मौके पर दमकल की गाड़ी ने पाया काबू। प्रयागराज के मेडिकल चौराहे पर अचानक एक कार में आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखते ही देखते कार घूम कर चलने लगी और आग के गोले में तब्दील हो गई। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी थी। गाड़ी किसकी है और आग किस वजह से लगी, यह बात स्पष्ट नहीं हो सकी। फिलहाल पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है। संगम नगरी प्रयागराज में आप देख सकते हैं फिर मंडरा रहा है कोरोना का खतरा, क्योंकि ई रिक्शा चालक चेहरे पे ना ही मास्क लगा रहे हैं, ना ही दो गज की दूरी का पालन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं ई रिक्शा चालक। ये नज़ारा है स्टेशन चौराहे का और शाहगंज थाना क्षेत्र का, जहाँ पर लोग बिना मास्क के ई रिक्शा चला रहे हैं। और यही हाल विक्रम चालकों का भी है, जो चेहरे पर मास्क नहीं है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग, ना ही सवारी बैठाने की कोई लिमिट।
आप देख सकते हैं खुलेआम रिक्शा चालक किस तरह से सड़कों पर घूम रहे हैं, और नियम कानून पालन कराने वाली पुलिस भी एक किनारे खड़ी रहती है और ना ही इन्हें रोकती है ना ही टोकती है। वहीं रिक्शा चालक के कुछ लोग जो मास्क लगा के चल ला रहे हैं, उनका कहना है कि इसके लिए इनको सोचना चाहिए और तीसरी लहर का खतरा सर पर मंडरा रहा है, जिससे हम सबको मिलकर जागरूक होकर यहाँ बचाव करना चाहिए। आप देख सकते हैं ये स्टेशन चौराहे का दृश्य, यहाँ पर विक्रम चालक और ई रिक्शा चालक बिना मास्क के किस तरह से चला रहे, यही हाल जानसनगंज चौराहे पर देखने को मिला, जहां पुलिस खड़ी है और लोग ई रिक्शा चालक बिना मास्क के आ रहे हैं जा रहे हैं, मगर ना पुलिस रोकने वाली है ना टोकने वाली। बाकी लोग नहीं लगा रहे भैया, उनको कहते हैं मास्क लगा लीजिए, बिना मास्क के बैठिए नहीं सवारी। नहीं, ई रिक्शा चालक भी बहुत से नहीं लगा रहे मास्क, अब कोरोना का खतरा है। खतरा तो ये तीसरी लहर आने वाली, मास्क पहनना जरूरी है, बहुत लोग नहीं लगा रहे, उनको प्रेरित किया जाए। संगम नगरी प्रयागराज में आज आप महिला प्रकोष्ठ ने यूपी जोड़ो अभियान के तहत शहर दक्षिणी के मीरापुर इलाके में सदस्यता अभियान चलाया और साथ ही नैनी के चौराहे विद्या मंदिर ऋषि के पास भी सदस्यता अभियान चलाया, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा गया। इसमें अभिलाषा गौतम तथा महिला प्रयागराज जिला सचिव सुनीता त्यागी ने अच्छा प्रयास करते हुए लोगों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई, साथ ही डॉक्टर अल्ताफ अहमद के नेतृत्व में ये कार्य को पार्टी के कार्यकर्ता अंजाम दे रहे हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं और लोगों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं। यूपी 2022 के चुनाव को लेकर ये आम आदमी पार्टी की तैयारी चल रही है। संगम नगरी प्रयागराज की ये रामबाग रोड है, जहां पर आप देख सकते हैं बारिश के बाद कैसे यहां जलभराव हो जाता है और यहां पर पानी भर जाते हैं। ये रामबाग डार्ट के पुल के नीचे की जगह है, जहां पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। ये शहर दक्षिणी के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता व शहर दक्षिणी विधायक का क्षेत्र है, जहाँ पर आप देख सकते हैं सड़कों पर किस तरह से गड्ढे हैं और ये गड्ढा युक्त सड़कें जिसमें आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और आप देख सकते हैं ये नज़ारा किस तरह से यहाँ पर वाहनों को आने जाने में दिक्कत हो रही है और अक्सर यहाँ पर दुर्घटना भी होती है। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढों से गुजर के आने जाने वाले लोगों को गुजरना पड़ता है। ये शहर दक्षिणी के चंदलोक टाकिस से रामबाग की ओर जाने वाला रास्ता है, जहाँ पर इस तरह के गड्ढे हैं जो आज तक ये सड़कें गड्ढा युक्त सड़कों से गड्ढा मुक्त नहीं। ये नज़ारा है सुराव क्षेत्र का, सुराव मवैमा हाईवे पर आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर गड्ढे और सड़क किनारे गंदगी के अंबार और बाहर पानी सड़कों पर भरा हुआ और यहाँ पर किस तरह से गंदगी फैली हुई है, जिससे कि बीमारी फैलने की खतरा और संभावनाएं दोनों ज़्यादा है। स्वच्छ भारत अभियान की सुराव में धज्जी उड़ाती ये सड़क, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर गंदगी का अंबार और पानी लगा है और आने जाने वाले लोगों को किस तरह से समस्या का सामना करना पड़ता है। यहीं पर कई चीज़ की आज दुकानें हैं खाने पीने की, और जिसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं अपनी बदहाली की और स्वच्छ भारत अभियान की। प्रयागराज के शाहगंज क्षेत्र के शाहनूर अलीगंज में किसी बड़े हादसे को दावत देता ये बिजली का खंभा। शाहनूर अलीगंज मज़ार के पास तिराहे पर ये लगा है खंभा, जहां आप देख सकते हैं खंभा किस तरह से झूल चुका है और खंभा किसी समय भी यहां पे गिर सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से बिजली के तारों का मकड़ जाल बना हुआ है इस खंभे पर, और यहाँ पर किसी बड़े हादसे का अंदेशा दिखा रहा है ये खंभा, और किसी टाइम भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस पे अगर सही समय पर बिजली विभाग ने सुध नहीं लिया तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिसके कारण किसी को भी क्षति हो सकती है। अब देखना ये क्या कार्रवाई। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।